हे गाइस, वेलकम टू बैंकिंग 91। बैंकिंग 91 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आरबीआई असिस्टेंट प्री के सेल्फ गिवन एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। मेरा एग्ज़ाम 15 फेब को था। 15 फेब को मेरा फोर्थ शिफ्ट में था। मैं पहले तो सबसे पहले सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वीडियो इतनी लेट डाली है। आज ऑल 17 हो गई है। मेरा पेपर परसों ही हो चुका था, मैं वीडियो डाल नहीं पाया था। तो फोर्थ शिफ्ट में मेरा पेपर था। 3:45 का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। 3:45 का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था और मैंने आगरा से भरा है। आगरा से मैंने पेपर दिया था। तो मैं सबसे पहले सीक्वेंस की बात कर लेता हूँ। तो सीक्वेंस की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आपका इंग्लिश आया था। इंग्लिश आपका 30 मार्क्स का था। 30 मार्क्स का था और 20 मिनट्स मिले थे। उसके बाद आपका क्वांट आया था। क्वांट आपका 35 मार्क्स का था और 20 मिनट्स मिले थे। इसके बाद आपका रीजनिंग आया था। रीजनिंग भी आपका 35 मार्क्स का था और इसके लिए भी 20 मिनट्स मिले थे। टिपिकल जो प्री का पैटर्न है वही है। चलिए, तो फिर हम सीक्वेंस के बाद अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश में सबसे पहले आया था आपका आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका जहाँ तक मुझे याद है 8 से 10 मार्क्स का आया था और पूरा स्टोरी बेस्ड था। तो इसको इजी ही कहेंगे, स्टोरी बेस्ड था, पूरा इजी आरसी आया था। उसके बाद क्लोज टेस्ट आपका 5 मार्क्स का आया था करीब। फिर आपका कुछ एरर आई थी। एरर आपकी मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं, 2 to 3 मार्क्स आई थी। उसके बाद आपके स्पेलिंग का आया था। स्पेलिंग के सभी शिफ्ट में देखने को मिला, मेरी शिफ्ट में भी आया था। 15 फेब को फोर्थ शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। स्पेलिंग का 4 मार्क्स का आया था। ये भी आपका ईजी लेवल ही था। इसके बाद आपका फिलर्स आया था। फिलर्स भी शायद 5 मार्क्स का था मुझे एक्चुअल में एग्जैक्ट याद नहीं है। एक्चुअल में 2 दिन हो चुके और मैं ट्रैवल कर रहा था थोड़ा। उसके बाद आपका वन वर्ड यूजेज आया था। ये आपका 5 मार्क्स कन्फर्म आया था क्योंकि ये मैंने अटेम्प्ट करे थे। ये भी आपका ईजी लेवल आया था पूरा। मतलब ओवरऑल आपका देखा जाए तो पूरा इंग्लिश का पेपर आपका ईजी रहा था। आपके सारे शिफ्ट में ईजी मिल रहा था, तो इसमें भी ईजी आया था। चलिए नेक्स्ट हम अगर क्वांट्स की बात करते हैं अगर हम क्वांट्स की बात करते हैं तो वन सेकेंड अगर हम क्वांट्स की बात करते हैं तो क्वांट्स का भी प्री के हिसाब से बहुत इजी पेपर आया था। आरबीआई के पेपर के हिसाब से बहुत इजी पेपर आया था। सबसे पहले हम मेजर बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन आया था। सिंप्लीफिकेशन आपका 15 मार्क्स का आया था। मेजर जो आपके शिफ्ट्स हैं, मेजर शिफ्ट में आपका 15 मार्क्स का ही दिखा है आपका सिंप्लीफिकेशन। मेरी शिफ्ट में भी 15 मार्क्स का ही आया था। और अनएक्सपेक्टेड एक 2 DI आ गई। एक टेबुलर थी, टेबुलर आपकी 5 क्वेश्चंस थे। एक आपकी केसलेट अभी तक देखने को नहीं मिली थी किसी भी शिफ्ट में। मेरे को थर्ड शिफ्ट का नहीं पता, पर उससे पहले देखने को नहीं मिली थी। केसलेट आपकी 3 मार्क्स की आई थी। भले ही वो ईजी थी पर फिर भी केसलेट की कोई उम्मीद नहीं थी, पर वो आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल सी नहीं आई थी। फिर आपका रॉन्ग आया था, रॉन्ग नंबर सीरीज 5 मार्क्स की। और बाकी आपके अरिथमेटिक के आए थे। बाकी सारे आपके अरिथमेटिक के आए थे। अरिथमेटिक के मतलब 7 to 8 questions थे। और इसमें आपका अरिथमेटिक में आया था आपका SI का क्वेश्चन था, SICI का। मिक्सचर का था, मिक्सचर एलिगेशन का, बोट एंड स्ट्रीम का था, आपका पार्टनरशिप का था ये क्वेश्चन। और मैं आपको बताऊं, एक आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस का था जिसमें आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की कुछ स्पीड दे रखी थी और आपको शायद बोट ऑफ स्ट्रीम निकालनी थी। तो ये पूरा क्वांट का पेपर रहा था। क्वांट का पेपर भी पूरा ईजी रहा था, इंग्लिश के जैसे पूरा पेपर इजी ही था। वो रीजनिंग का भी मैं बताता हूँ। रीजनिंग का सबसे ज़्यादा इजी था। रीजनिंग का इजी था मतलब
मैंने 35 किए रीजनिंग में, और रीजनिंग में मेरे फिर भी 2.3 मिनट्स बचे थे, 2.3 मिनट्स रिमेनिंग बचे हुए थे। इसमें मैं आपको बता दूं क्या था। सबसे पहले आया था इसमें सर्कुलर, एक पज़ल आई थी, सर्कुलर पज़ल आई थी। सर्कुलर में 8 पर्सन्स बैठे थे तो वो 5 मार्क्स की आई थी। फिर आपका एक स्क्वायर बेस आई थी, स्क्वायर में इनसाइड आउटसाइड दोनों देख रहे थे, स्क्वायर पज़ल आई थी। एक आपकी लीनियर आई थी, हाँ लीनियर पज़ल आई थी, उसमें भी आपके 8 पर्सन्स बैठ रहे थे, 8 पर्सन बैठ रहे थे। ये 3 पज़ल तो ये हो गई। एक आपकी नॉर्मल हाइट था या वेट था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, हाइट या वेट के बेस पे आई थी, हाइट या वेट के बेस पे 3 क्वेश्चन के लिए आई थी, 3 क्वेश्चंस थे इसके। फिर आपकी चाइनीज़ कोडिंग आई थी, चाइनीज़ कोडिंग आई थी आपकी 5 मार्क्स की, ये भी बहुत इजी आई थी चाइनीज़ कोडिंग। उसके बाद आपका एक वर्ड स्क्रैबल का आया था। वर्ड स्क्रैबल अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, वर्ड स्क्रैबल होता है कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं उनको मिला के वन वर्ड बनाना होता है, या फिर वन से ज़्यादा बन रहते हैं तो वो दूसरा ऑप्शन टिक करना होता है। तो मेरे में MINT करके एक वर्ड बन रहा था, मिंट बन रहा था, इन चारों से वही एक ही वर्ड बन रहा था मिंट। उसका लेफ्ट थर्ड, लेफ्ट से थर्ड बताना था तो N मेरे को टिक करना था, जो कि मेरा सही हुआ है। बाकी थे, और बाकी आपके सब मिसलेनियस से थे, मिसलेनियस से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हो गए। ये पूरा आपका 35 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, पर मैं ये पूरा बहुत इजी लेवल था, इजी लेवल आया था पूरा के पूरा। तो चलिए मैं अपने अटेम्प्ट्स की बात कर लेता हूँ। मैं ये अपने 15 फेब को 4th शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट शिफ्ट आरबी असिस्टेंट की, बिल्कुल लास्ट शिफ्ट। ठीक है, तो मेरे इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में मेरे 30 अटेम्प्ट्स थे, 30 out of 30। मैथ्स में मेरे 30 अटेम्प्ट्स थे, रीजनिंग में मेरे 35 अटेम्प्ट्स थे। तो ये टोटल मेरे 95 100 में से 95 अटेम्प्ट्स थे। ये मेरे 100% एक्यूरेसी से हुए हैं, और ये भी मेरे ऑलमोस्ट 100%, मैं 95% कहूँगा। फिर भी इंग्लिश का तो थोड़ा डाउट रहता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में, पर फिर भी इजी आया था तो मैं एक्यूरेसी से बता सकता हूँ। तो इसलिए मैंने आगरा से दिया, तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली 2017 में यूपी की जो कट ऑफ गई थी वो 85 गई थी, करेक्ट 85 गई थी। तो इससे +2 ही मान के चलिए आप यूपी में, क्योंकि यूपी में थोड़ी वैकेंसीज का फ़र्क पड़ा है, और आपके जैसे शहर हैं बेंगलोर, मुंबई, इन जैसे शहरों में आपकी लो कट ऑफ जाएगी, लो कट ऑफ जानी है, क्योंकि इनकी बेंगलोर में तो हमेशा कम जाती है, और मुंबई में आपकी वैकेंसीज ज़्यादा हैं, वैकेंसीज आपकी ज़्यादा हैं इन कंपेरिजन टू यूपी। यूपी आप में आपकी लखनऊ और कानपुर आपका सेक्टर आता है, लखनऊ कानपुर उनकी ब्रांच आती है, उसके हिसाब से इनकी काफ़ी कम सीट्स थी। तो इस चक्कर में 85+ ही कट ऑफ जाएगी, 85 से 88 के आसपास, 85 से 88 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। चलिए मैंने अपने अटेम्प्ट्स बता दिए, मेरे 95 थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरी पुरानी वीडियोस आप देख चुके हैं, मैंने सेल्फ गिवन मैंने एक्सपेक्टेड पेपर बताया था, उसी के हिसाब से पेपर आया है बिल्कुल। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने अपने आप कमेंट्स में बता सकते हैं आप, आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, आपने कितने अटेम्प्ट्स किए, एक्यूरेसी बता सकते हैं आप अपनी, ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, थैंक यू।